हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हाँ ठीक, मैं ठीक हूँ। आप सब बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, और आप लोग मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और बस यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो बस यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू। और आज मुझे कहीं जाना है, स्पेशल जगह, और जहाँ मैं आज जाऊँगी वहाँ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो उनके घर जो कुछ है उनके घर, तो बस उस चीज़ के लिए आपको आके पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि मुझे उनके घर जाना अच्छा लगता है। जो उनके घर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कुछ एक चीज़ है ऐसी जो मुझे उनके वहाँ पे करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ जब उनके घर ये कार्यक्रम होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी, तो आप भी देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बस मैं यहाँ पे चादर ठीक कर रही हूँ, ये मेरे आगे के रूम का बेड है तो उसे मैं ठीक कर देती हूँ, और उसके बाद हम लोग। और बस मेरी झाड़ू वाड़ू हो गई थी और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और यहाँ मैं ले रही हूँ सब्ज़ी। हमारे यहाँ कॉलोनी में ही सब्ज़ी वाले आ जाते हैं और इनसे हम हमेशा सब्ज़ी लेते हैं, मतलब 12 महीने ही हम इन ये भैया से सब्ज़ी लेते हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं रहती कि मतलब कौन आएगा, कैसे लोग देने आएंगे। आपको तो पता ही है कि अभी इतनी परेशानियां चल रही है तो डर लगता है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया मतलब सेफ्टी से आते हैं और सेफ्टी से हम सब्ज़ी लेते हैं। और देखिए हमने सब्ज़ी ले ली है और मैं इनको दूंगी यहाँ पे पैसे। और सब्ज़ी ना मैं अंदर नहीं लेके जाती हूँ, पहले इन्हें भारी पानी में डाल देती हूँ बाल्टी में पहले ही, और यहाँ पे मैं बाल्टी में ना पानी में डाल के और इसमें नमक बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के और इसे यहीं पे छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ी देर इसी में रहे, उसके बाद मैं इसे धो के और अंदर ले जाती हूँ। मतलब काफ़ी टाइम ये यहीं पे रहती है, क्योंकि बहुत डर लगता है कि फिर भी डर लगता है कि कैसे लोग लाते हैं। और बस मैंने आपको कहा था ना मैं आपको आज कहीं लेके जाऊंगी, तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ पूजा में आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड है और यहाँ पे पूजा होने के बाद ये चीज़ें धामी हैं वो एक दूसरे को देते हैं। ये देखिए ये ऐसी पूजा होती है, इनको वो लोग धुरधुरैया बोलते हैं, तो ये जो धानी के ढेर है बस ऐसे ही सब